विश्वास आने देता नहीं नर को मैं जाएगी। जमदूतों की चोटे खाए फिर चौरासी जाए, अजी क्या हो गए हैं, अजी क्या हो गए हैं। दुर्लभ मिला प्रभु मिलने की बारी, दिन को खाया रात सारी सोकर है गुजारी। इसलिए आए काम भुलाए तेरा जन्म गवाए, अजी क्या हो गए हैं, अजी कहाँ खो रहे हैं। का है सौदा किया किसी ने है माया जोड़ी, अंत साथ जाए कुछ ना लेंगे लंगोटी तोड़ी। हाथ से खाली नंगे पाँव जाए बड़ा पछताए, अजी क्या हो गए हैं, अजी क्या हो गए हैं। शासत नाम जी नाम जप काल से बच जाओ, जन्म समय का अब ही लाभ उठाओ। श्वास श्वास में नाम दियाए सीधे सचखंड जाए, अजी क्या हो गए हैं, अजी क्या हो गए हैं। सबको संत बड़ा समझाए फिर भी समझ न पाए, अजी क्या हो गए हैं, अजी क्या हो गए हैं। सुनकर वचन न अमल कमाए लाभ ना उठाए, अजी कहाँ खो रहे हैं, अजी कहाँ खो रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी प्रेम सागर इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनका भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम से जी रहे हैं, जिए प्रेम से जा रहे हैं। सतगुरु प्यारे तेरे सहारे जिए जा रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं, जिए प्रेम से जा रहे हैं। पहले पता था सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, पता नहीं था कैसे इस प्रेम को पा लेते हैं। सच्चे नाम से बिना दाम के पाए जा रहे हैं, प्रेम से जी रहे अपना प्यार लुटाया, दर दर के ठुकरायों को तूने
अपने दिल से लगाया, जाए न गाया प्यार जो पाया फिर भी गा रहे सतगुरु तेरा ही आसरा। दसीनी रूहे तैनू कैसा गुरु चाहिदे, दसीनी रूहे तैनू कैसा गुरु चाहिदे, दसीनी रूहे तैनू कैसा गुरु चाहिदे, लपो मैनू ऐसा गुरु चाहिदा, लपो जी लपो मैनू ऐसा गुरु चाहिदा, जिनू देखा मस्ती आवे तू मस्त मस्त हो जावे, जेड़ा ऐसा नाम जपावे सीधा सचखंड ले जावे, मैनू ऐसा गुरु चाहिदा, लपो जी लपो मैनू ऐसा गुरु चाहिदा, लपो जी लपो मैनू ऐसा गुरु चाहिदा। जिदी एक झलक दे अगे फिका पै जे चंदा टुकड़ा, नी मैनू ऐसा गुरु चाहिदा, लपो जी लपो मैनू ऐसा गुरु चाहिदा, लपो जी लपो मैनू ऐसा गुरु चाहिदा। चल आया होवे किहो जिहा देश होवे, जेड़ा चिट्टा चोला पावे जिस विच सबे रंग समाए, होवे सब धर्मां दा सांझा चल अनामी विचों आइन, मैनू ऐसा गुरु चाहिदा, लपो जी लपो मैनू ऐसा गुरु चाहिदा, लपो जी लपो मैनू ऐसा गुरु चाहिदा।
ਪਹਾੜੋ ਕੰਕਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਦੇਵੇ ਜੁਗਤੀ ਨੀਲੇ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਰੁਕਦੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਭੋ ਜੀ ਲੱਭੋ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਭੋ ਜੀ ਲੱਭੋ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜਹਾਨ ਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਮੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਸਲਝਾਉਣਗੇ ਉਲਝਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੰਦਤਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲ ਮੈਨੂੰ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲ ਹੁਣ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਗਏ ਮਿਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਸ ਤੇ ਨਾਮ ਜੀ ਲੱਭ ਗਏ ਲੱਭ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਸ ਤੇ ਨਾਮ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਮਿਲ ਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮ ਸਤਾਨ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਮਾਲਿਕੀ ਸਹਿਜਨ ਵਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ ਸੱਚੇ ਦਾਤਾ ਰਹਿ ਬਰ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਭਜਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਦਾਤੇ ਕੋ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਕੜਨ ਲਈ ਦਾਤ ਹੈ दादे को तू भूल गया पकड़ ली दात है भूल गया काल जो लगाई बेटा घात है भूल गया काल जो लगाई बेटा घात है ਚੌਰਾਸੀ ਸਾਰ ਤੁਝੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬਚ ਕਰ ਮਾਇਆ ਜਲ ਮਾਲਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਮਾਲਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਤ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਲ ਜੋ ਲਗਾਈ ਬੇਟਾ ਘਾਤ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਲ ਜੋ ਲਗਾਈ ਬੇਟਾ ਘਾਤ ਹੈ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਝੂਟਾ ਕਰਦਾ ਅੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚਾਂਦਨੀ ਅੰਧੇਰੀ ਆਣੀ ਰਾਤ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗਾਲ ਜੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਲ ਜੋ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਘਾਤ ਹੈ ਜਾਲ ਮੇ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇਖੋ ਬਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਹੰਸਾ ਜੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਹੰਸਾ ਜੀ ਅੰਤ ਕਾਮ ਆਇਨ ਭਾਈ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਮਾਤ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਲ ਜੋ ਲਗਾਈ ਬੇਟਾ ਘਾਤ ਹੈ ਦਾਤੇ ਕੋ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਕੜ ਲਈ ਦਾਤ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਲ ਜੋ ਲਗਾਈ ਬੇਟਾ ਘਾਤ ਹੈ ਜਾਤੀ ਬੜੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਮ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਅੰਗਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਬਰਮ ਜੀ ਹਾਂ ਰਹਾ ਹੈ ਬਰਮ ਜੀ ਅਮਲੀ ਨਵੇੜੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਣੀ ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗਾਲ ਜੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗਾਲ ਜੋ ਲਗਾਈ ਬੇਟਾ ਘਾਤ ਹੈ
जब तन नाम कुछ नहीं गम न आता मास शराब बिन खाना नहीं बाता जी खाना नहीं बाता खबर पड़गी जब काल पाई जाते हैं भूल गया कागज लगाई लटकाते हैं भूल गया बचपन सारा बिच खेलने गुजारिया हो गया जवान तुझे मन मेरी मारिया जी मन मेरी मारिया शाम बुरा पाया गई पर बात है भूल गया गाल जो लगाई लटकाते दाते को तू भूल गया पकड़ ली दाते है भूल गया गाल जो लगाई लटकाते भूल गया माया के खिलौने देख देख खुश हो रहा ससुर रूपी पूंजी कोंडियों के बदले खो रहा जी कोंडी बदले खो रहा हुआ कैसे मस्ती सब फूलों की बगाते हैं भूल गया गाल जो भूल गया गाल जो लगाई बेटा घात है पूरे का मोलिए बाग बाग जाता सत्संग में कभी भूल के न आता जी भूल के न आता संतों की न सुने चोरों साथ मुलाकात है भूल गया देने वाले दाता को रखना तू यादा नाम जप आत्मा को करवाना यादा जी करवाना यादा शाह सतनाम जी कहते तेरे काम की ये बात है भूल गया काल जो भूल गया काल जो लगाई बैठा खाते दाते को तू भूल गया बगड़ ली दाते है हाँ दाते को तू भूल गया पकड़ ली दाते है भूल गया काल जो लगाई बेटा दाते भूल गया काल जो लगाई बेटा खाते भूल गया दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो बेपरवाह जी सच्चे दाता रहबर ने जीव को समझाने हिलाने किस तरह से बताएं हर तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ी पर जिसके दिमाग में पत्थर पड़ जाएं, कोयलों की खान में सब कुछ काला ही नजर आता है जो इंसान की बुद्धि दिमाग मोटा हो जाता है मन की वजह से मनमते लोगों की वजह से तो उनको समझ ना आए तो ना आए सदगुरु जी ने तो कोई कोर कमी नहीं छोड़ी आज के वचन नहीं है ये बहुत पहले लिखे हुए वचन है क्या है दाते को तू भूल गया पकड़ ली दाते अपने सदगुरु को अल्लाह को वाहेगुरु को जिसके सामने किसी को कुछ नहीं समझता इंसान उसको बुला देता है किस लिए मालिक की दांतों के लिए और दांतों में क्या है पैसा है जमीन जायदाद है कपड़े हैं बेटा है बेटी है माँ है बाप है सब मालिक की दांतें ही तो हैं मालिक ने बख्श रखी हैं दांतों के लिए दाते को भूल जाता है इसलिए बेपरवाह जी ने पहले ही फरमाया है दाते को तू भूल गया पकड़ ली दात है पर क्या भूल गया काल जो लगाई बैठा घात कोई बात नहीं बेटा पानी नीचे से ही गुजरता है टीलों के पहाड़ों के नीचे से जब ऊंट गुजरता है तब मालूम पड़ता है हुआ क्या नच ले भज ले एक दिन तो पंजाली हेठा आना ही पैना सो कर ले मनमते चल ले मनमते जब ठोकरें पड़ी बिलबिलाएगा
तो तड़पता हुआ जरूर पुकारेगा उस मालिक को। बेबरवाज ने साफ साफ फरमाया, दुर्लभ जन्म न मिले बार बार है, मेरी मेरा कर झूठा करता अहंकार है, चार दिन चांदनी अंधेरी आनी रात है। ये शातिराने चाले चलने वालों, ज्यादा टाइम नहीं लगता, चार दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, सतगुरु जी फरमा रहे हैं। कहीं आप हमें कहो, क्योंकि है तो हमारे द्वारा भी वही कहते हैं, लेकिन फिर भी कईयों का होता है, अंधे बोले होते हैं, उनको नहीं फलाने टाइम तो ऐसा था, तो फलाने टाइम की बात ही कर रहे हैं, सुन लो ध्यान से। दुर्लभ जन्म ना मिले बार बार है, मेरी मेरा, ये मेरा वो मेरा, यहां से कर लूं वहां से कर लूं, ये कमा लूं वो, पता नहीं क्या क्या, मेरी मेरा कर झूठा करता अहंकार है, चार दिन चांदनी अंधेरी आनी रात है। अंधेरी रात ने तो आना ही आना है, भाग ले ना जा बरमे नू लेके जाणगे नाले, चल बेटा यहां तक चलना है। लेखों का कर्मों का लेना देना तो हर समय साथ रहेगा, वो तो सदगुरु मौला बदल दे तो बदल दे, अदरवाइज सबको भोगना ही पड़ता है। मोह जाल में है दिन रात देखो फंसा जी, मोह जाल, और कौन सा मोह जाल, भाई पुत्र पोते परिवार देख हंसा जी, देख देख हंसा जी, अंत काम आए ना भाई पुत्र मात है। बेपरवाह जी को कमी तो छोड़ी नहीं है ना, ज्ञान दूसरों को देने से पहले खुद ज्ञान पे चलना सीख लो, कहीं ये ना हो कल को लोग आपका मजाक उड़ाएं, बड़ा ज्ञान बांटता भाई और खुद की झोली में सारी पटी पड़ी है, जो आ रहा है वो सारा ही जा रहा है, खाने में तो घुसता नहीं कुछ, ये थोड़ा सा खाना साफ रखना चाहिए, इतना मोरा ना बढ़ाओ, इतना उसको फाड़ो मत कि आप जो कहते फिरते हैं बाद में पछताना पड़े, साफ साफ लिखा है कि मोह जाल में है दिन रात देखो फंसा जी। जब जी मोह जाल में फंस जाता है ना, तो फिर बस परिवार मेरा, ये मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं फला कर लूं, अंत काम आए ना भाई पुत्र बात है, कोई काम नहीं आएगा, वो सतगुरु मौला ही वहां पकड़ता है। ऊंची जात बड़े घर हो गया जन्म जी, माया के अहंकार में रहा है भरम जी। जब माया का अहंकार हो जाता है ना, मन हावी हो जाता है, और बिगड़े मन गुरु का ना भगवान का, किसी का नहीं बनता। फिर जब मन बिगड़ जाता है, हमने देखा है मन को बिगड़ते हुए, बड़े बड़े फन्ने खां नन्ने खां हो जाते हैं जब मन अपनी आई पे आता है। साफ बेपरवाह जी के वचन है, इसका अर्थ कोई और निकाल के दिखाए, माई का लाल अगर निकाल सकता है तो, जो हम निकाल रहे हैं इसके बिना अगर कुछ और निकलता है तो आप हमारा ज्ञान बढ़ाइएगा, अगर आपको ज्यादा ही ज्ञान आता है तो। हमारे ख्याल से तो इसका यही अर्थ है सीधा सीधा, कि आप विषय विकारों में फंस के क्यों अल्लाह राम मालिक को भूलते हो, क्यों अपने मालिक परमात्मा से दूर होते हो, अरे ये सारा साजो सामान यही धरा धराया रह जाएगा, कुछ साथ जाने वाले सारी चतर चलाकियां कुल्ले लैन होशियारा दे, पल में उड़ जाएंगे भाई। साथ देना है तो किसी राम नाम वाले का दो, साथ देना है तो अल्लाह वाहेगुरु की राह पे चलने वाले का दो, क्यों बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। साथ देते हो जो मालिक से दूर है, साथ देते हो मन का, और मन तो भाई बर्बाद करता ही करता है। ऊंची जात बड़े घर हो गया जन्म जी, माया के अंकार में रहा है भरम जी, अमली निवेड़े आगे पूछनी न जात है, जपता ना नाम कुछ निगाह में ना आता है, नाम नहीं जपता घंटा सुबह शाम सिमण करे, हम गारंटी देते हैं मालिक का दृढ़ विश्वास उस पर हमेशा कायम बना रहता है। सवाल पैदा ही नहीं होता कि मन दगा दे, जो सिर्फ बातों की करके खाते हैं ना, मन रगड़ा उनको चढ़ाता है। बचपन सारा विच खेलने गुजारिया, हो गया जवान तुझे मन बैरी मारिया, जवानी में फिर कोई अच्छा नहीं लगता, आ गया शाम बुढ़ापा आया गई प्रभात, बुढ़ापा आ जाता है शाम पड़ जाती है, लेकिन अकल फिर भी नहीं आई, सब कुछ चला गया, सब कुछ उम्र का हिस्सा गुजर गया, फिर भी अकल ना आई, मन जालिम के हाथों खिलौना बना रहा, माया के खिलौने देख देख खुश हो रहा, श्वासों रूपी पूंजी कौड़ियों के बदले खो रहा, हुआ कैसे मस्त सब फूलों की बगात है। फूलों की खुशबू कितने दिन ले लोगे, कितने देर खिले रहेंगे, आखिर मुरझा जाना है, सब कुछ खत्म हो जाना है। तो ये बेपरवाह जी फरमा रहे हैं, माया के खिलौने रुपए पैसे हीरे ज्वारा जमीन जायदाद, ये कर दूं वो कर दूं, उस महीने का इतना कमा लूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कर 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 देख भाई, फूलों की बागात है, सब मुरझा जाएगा, किसी ने साथ नहीं देना, कमलाएगा रोएगा चिल्लाएगा, और कीमती श्वास चले जाएंगे जो किसी कीमत पे लौट के वापस नहीं आएंगे। बुरे कामों के लिए भाग भाग जाता,
बड़ा चोरी छुपे सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भाग भाग जाता है, बुरे कामों में जा जाके छाती चौड़ी कर कर मैं ये करूं वो करूं फलां करूं, सारे वायदे कॉल करा राम से भूल गया जो गर्भ में किए और बाद में किए, सब बुला दिए, सब चकनाचूर मन के हाथों मजबूर हो गए। बुरे कामों के लिए भाग भाग जाता, सत्संग में कभी भूल के न आता, संतों की न सुने चोरों साथ मुलाकात है। संतों की हजम नहीं आती बात, संत बहुत समझाते हैं, मान ले भाई तेरे भले की कहूं, मान ले भाई तेरे भले की कहूं, संतों का तो काम ही सबके भले की कहना है, वो तो कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बातें होती हैं। आदमी की बुद्धि दिमाग चकरा जाता है जब संत पीर फकीर अपनी बात रखते हैं कि हैं अच्छा ये था मैंने तो ये सोचा था, तो तेरी सोच तेरे मन के अधीन है, तू मन का गुलाम है। संत पीर फकीर तो हमेशा सबका भला करते थे, कर रहे हैं और कई गुना बढ़ के करते रहेंगे। वो तो गंदगी खाने से रोकते हैं, जहर खाने से रोकते थे, रोकते हैं और रोकते ही रहेंगे। आपका भेजा खराब हो गया तो उसका भरना आपको पड़ेगा। तो इसलिए भाई आप संतों की नहीं सुनते, चोरों साथ मुलाकात है। दुनियादारी के साजो सामान में उलझे हुए हो, उसमें डूबे हुए हो, बड़े गवाद बना रहे हो, बड़ी तैयारी कर रहे हो, क्या भाई ये सब कुछ धरा धराया रह जाएगा। देने वाले दाते को तू रखना तू याद था, देने वाले दाते को रखना तू याद था, भूल गया वो टाइम, सब कुछ भुला दिया। अरे जिस सतगुरु मौला ने बख्शा था, पता नहीं कहां कहां जान बचाई तेरी, अपने पे कर्म ले लेके सारा ही भुला दिया। जिसने सुख बख्शा, जीने का सहारा बख्शा, बुलाते देर नहीं की तो वो लेते भी देर नहीं करेगा, देखता रह जाएगा, उसी स्थिति में आ जाएगा जिससे आगे बढ़ा था। टाइम बताएगा वो तो, समय बता देगा। देने वाले दाते को रखना तू याद था, नाम जप आत्मा को करना आजाद था। नाम जपो, सिमरन करो, सेवा करो, परमार्थ करो, दिन रात इसी में लगना था। लेकिन भाई शाह सतनाम जी कहते तेरे काम की यह बात है। अब हम कोई बद्दुआ थोड़ी दे रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर दाता को बुला दिया, उस राम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर को बुला दिया, तो भाई उसकी जितनी भी सौगाते हैं तो बेपरवाह, तोहफे तेरी रहमत दे, रुस जावे तो हर एक तोहफा पकदा अंगियारा बन जाता। वो तोहफे गुदड़ी में लाल छुपा के रखा, भी मेरे पास लाल है, हीरे जवाहरात हैं, वो तोहफे हैं उस सर की रहमत के, उस मालिक का रहमो करम है। बेटा है, बेटी है, पति पत्नी, मां बाप, सब तोहफे हैं उस मालिक की रहमत के। और अगर वो रुस जाए, तू उससे मुंह मोड़ लिया, बुरे कर्मों में लग गया, तो हर एक तोहफा पखदा अंगियारा बन जाता। सतगुरु जी के वचन है बेपरवाह जी के, कि फिर वो जो लाल चुक है ना, वो अंगार बन जाता है, और अंगार का काम जला के भस्म कर देना है। क्या पता चलते चलते किसकी फूक निकल जाए, किसकी हवा सरक जाए, रोते रहना माथा पीट पीट के। तो भाई ये बेपरवाह जी कह रहे हैं, शास्त्र नाम जी कहते तेरे काम की यह बात है। क्या दाते को तू भूल गया, पकड़ ली दात है, भूल गया काल जो लगाई बैठा गात है। काल को भूल गया, मस्ती में मार रहा है पछंडे इधर उधर, ये वो दिमाग का इस्तेमाल, ये है तू फन्ने का, पता नहीं क्या क्या आलम फाजल, पता नहीं कितने हो गुजरे, क्या क्या हशर होता है। अरे यहां पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं होता, आलम फाजल से नहीं, जो पीर फकीर बात कहे अल्लाह वाहिगुरु राम की, सुन के जो अमल कर ले, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता, वो ही कुलों का उद्धार कर लेता है, दोनों जहां में माला माल हो जाता है। और जो अपने फन्ने का ही झाड़ते रहते हैं, बड़ी चलाकियां, बड़े चतुर, बड़े शातराना चीजें चलते हैं, वो एक दिन तिल तिल करके भोगते भी रहते हैं। तो ये हकीकत हम तो बोलते रहेंगे, हमें ना तो भय था, ना है, ना रहेगा, क्योंकि हमारा तो सदगुरु निर्भय है, तो हमें भय किस बात का। जो बात जैसी में आवा खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। जैसा भजन शब्द निकला, हम तो शुरू से निकाल के बैठ जाते हैं भाई, सतगुरु जैसा ख्याल देते हैं वो शब्द निकल आता है। कोई ये नहीं होता कि पहले कौन सा बोलना है, चाहे आप बाल से पूछ लीजिए जो लेके आता है, कैन मौके पे कोई तर्ज याद नहीं होती, जो कबीराज हैं, साजीबाजी हैं, कुछ भी हमें पता नहीं होता कि इसकी तर्ज क्या है, क्योंकि हजारों काम सतगुरु लगा रखता है। तो अचानक कोई शब्द निकल आता है, उस पे जैसा मालिक ख्याल देता है, तो व्याख्या तो उसके अनुसार होगी ना, आपके अनुसार तो हो नहीं रही, ये तो सतगुरु का जो
वचन सामने आ गए, उसने क्यों निकाले? आप सोच लो, अगर आप पे ज्यादा करंट लग रहा है, अगर स्पिरिट लग रहा है तो जख्म हुए पड़े, इसका मतलब रगड़ रगड़ी मन की लगी हुई है, जगह जगह रगड़ दिया मन ने, घुटना रगड़ जाए ना जमीन से, मांस के ऊपर से पतली लहर उतर जाती है, पंजाबी जी कहते चिट्ठियां ही उतर गई रगड़ता मां दे पुत्त नूं। सो मन ने जहां जहां रगड़ा है वहां स्पिरिट तो लगेंगे, सतगुरु के वचन तो लगेंगे ना, तो सतगुरु के राम नाम का लेप लगा लो, स्नेह लेप है सुबह तक, ठीक। सो कहने का मतलब जब जाग जाओ तभी सवेरा, छोड़ दो बुराइयां तो मालिक की खुशियों के अधिकारी एक दिन जरूर बन जाओगे। तो यही भजन में बताया है जी। कैलगिरी कनाडा से बात करना चाहते हैं, बोलो भाई जल्दी से बात करो। तन तन सतगुरु तेरा आसरा। बोलो बेटा आप कैसे हो? ठीक बेटा ठीक। पिताजी हमने आपसे बात करनी थी, हमारे ऊपर जो केस हुआ था पिताजी वो क्लियर हो गया। पिताजी आपकी बहुत मेहर हुई है हम पे। बेटा मालिक का शुक्राना करना ना भूलना, क्योंकि आजकल ना शुक्रे लोग बहुत हैं। पहाड़ जैसे कर्मों को मालिक अंकर में तो बदल देते हैं, पर भुलाते कहीं तो दिन भी नहीं लगाते, कुछ दिनों में ही भूल जाते हैं, कहीं तो जिंदगी भर नहीं भूलते उस मालिक का गुणगान गाते, और कईयों का पता ही नहीं चलता, उनको लगता नहीं हमारी अकल से हम बचे। तो भाई आप दृढ़ विश्वास रखें और मालिक का शुक्राना करते रहें, तो वो लाज रखता था रख रहा है और कई गुणा बढ़ के आगे लाज रखता रहेगा। पिताजी हमने तो आज छोड़ी दी थी, पर आपने हमारे को मेरा पार लगा दिया। पिताजी कोई नहीं कहता था कि हम बच पाएंगे, पर आपने हमें आशीर्वाद दिया कि आप जरूर हमारी रक्षा करेंगे। बेटा सदगुरु का हाथ तो दुआ के लिए उठता है, सबके भले के लिए उठता है, किसी को बुरा या भला कहने के लिए नहीं, सबका भला करने के लिए कोई भी वचन फकीर करते हैं तो बेटा इसीलिए करते हैं। बिल्कुल ये सच है, मालिक ने आप पे रहमो करम किया है बेटा, शुक्राना करते रहिए। पिताजी हमने नाम नहीं लिया हुआ, फिर भी हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। पिताजी हम जरूर इंडिया आके नाम लेंगे। बेटा इसी का नाम संस्कारी रूहें होता है, कि नाम लिया ही नहीं फिर भी मालिक ने रहमो करम किया, इसका नाम है संस्कार। कि कई के पूछते हैं संस्कारी रूहें क्या होती हैं, उतनी देर आप धन धन सदगुरु तेरा आसरा इसका जाप आधा घंटा सुबह शाम करते रहिए बेटा, देखो मालिक ने कितनी रहमत की है। बस नाम जरूर जपें लेके, और उतनी देर नारे का जाप करें, मालिक रहमत करेंगे बेटा, आशीर्वाद। पिताजी हम इसी खुशी में दीन दुखियों की मदद में 25,000 रुपया भेज रहे हैं जी। बेटा बैंक में खाता है सात संगत का, आप वो पैसा बैंक में जमा करवा दीजिए, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, अपने नाम से मालिक जोड़े और घरों में रहमत करे, आशीर्वाद। पिताजी हमने अपना नया घर लिया है, उसके लिए भी आशीर्वाद चाहिए जी। बेटा ख्याल से चलाइएगा और नारा लगा के सुमन करके चलाए बेटा, मालिक से दुआ करेंगे। और पिताजी हम एक करिश्मा सुनाना चाहते हैं जी। बेटा पिताजी जिस दिन हमारे ऊपर केस हुआ था, पिताजी दूसरे दिन ही हमने आपसे बात करने की अपॉइंटमेंट ली थी, पर पिताजी पता नहीं किस कारण आप हमसे बात नहीं कर पाए, आप डेरे में नहीं थे। पिताजी हम इस बात को सुनकर रोने लग गए और रात को रोते रोते सो गए। पिताजी आप हमारे सपने में आए और हमें आशीर्वाद दिया। पिताजी हम भूल नहीं पाते इस बात को कि आप हमारे साथ सदा खड़े हैं जी। बेटा और पिताजी उसी टाइम हमने उठ के देखा, रात के 11 बजे हुए थे, और दूसरे दिन ही हमने अपने वकील के साथ बात की तो मेरा वकील बोलता है कुछ ठीक हो जाएगा जी। और पिताजी इसी विश्वास के साथ हमने ये सारा काम किया, और पिताजी फिर हम आपसे हमारी बात हो गई और आपने हमें आशीर्वाद दिया कि बेटा सुबह शाम घंटा शाम को 8 घंटा सुबह सिमरन करो। पिताजी आपने हमारा बेड़ा पार लगा दिया जी। और पिताजी अब हम अपना काम ढूंढ रहे हैं और काम की बहुत एप्लीकेशन की है, कहीं से फोन नहीं आता हमें जी। बेटा नारे का जाप करते रहो और
करने वाला मालिक है बेटा, वो सबकी सुनता। हम तो खाकसार चौकीदार हैं, सबके सेवादार हैं बेटा, मालिक काम ले रहा है। सो आप सुमरण नारे का जाप करते रहिए और पूरी मेहनत कीजिए। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। पूरी पैरवाई कीजिए, मालिक रहमत करने वाले हैं। और पिताजी जिसने हमें आपके साथ जोड़ा उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। जी बेटा आशीर्वाद। तन तन सतगुरु तेरा आसरा। जी बेटा आशीर्वाद। देश विदेश में सत्संगत अपना काम धंधा करते हुए 483 की ग्रुप टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1242 लाइव वीडियो पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे, सुन रहे, हमें नजर आ रहे, सबको आशीर्वाद। गुरदीप इंसा सियाटल यूएसए से लाइव मैसेज। दीन दुखियों मध्य में बैंक में 21,000 रुपए जमा करवा रहे हैं। सारा परिवार आशीर्वाद चाहते हैं सेवा सिमन का। तो मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद। तो प्यारी सत्संग जी, हो आपने सुना, आपने तो नाम ले रखा है। जिनको दृढ़ यकीन होता है ना, मालिक कदम कदम पे उन पे रहमो करम के भंडार लुटा देते हैं। संस्कारी रूह कोई भी हो सकती है, इसीलिए तो हम कहते हैं कोई फन्ने का नन्ने का नहीं होता। जिसको दृढ़ विश्वास होता है, हो जाए मन से लड़े, कोई कमी नहीं रहती। दृढ़ विश्वास से आपको दातें मिल रही हैं, मालिक ने आपको दातें दे दी, आपका दृढ़ यकीन था। लेकिन बाद में भूलो मत जो आज भजन में आया कि दाते याद रख लेते हो और दाता को भूल जाते हो। मैं जी गुरु को मानता हूं, गुरु को तो मानते हो, कभी गुरु वचन भी मान लिया करो। गुरु को मानना अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन असलियत में गुरु वचन मानना सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया और कर्म बदल देने वाली, तकदीरें बदल देने वाली बात होती है। सो सुन के अमल किया करो, शायद समझ आ जाए, शायद आदमी सोया हुआ जाग जाए और वो ना दलदल में फंसे। तो प्यारी सत्संग जियो, ब्लाक आए हैं राजस्थान के, जिला हनुमानगढ़ का ब्लाक टिब्बी। चुनाव के समय संगत 925, शाबाश। चुनेंगे भाई 217, 217 भाई खड़े हो जाओ। जुम्मेवार टिब्बी ब्लाक के जो जुम्मेवार चुने गए हैं अलग अलग समितियों में, वो कर सिर्फ टिब्बी ब्लाक, सिर्फ टिब्बी ब्लाक के राजस्थान के। बहने हैं 201 जो चुनी गई हैं, जल्दी से खड़ी हो जाओ बहनों। और 100 सेवादारों ने खून दान करने का प्रण किया है जी, शाबाश बेटा, आशीर्वाद, खूनदान महादान। 25 सेवादार खून दान करके आए हैं, हाथ खड़ा करना बेटा। 25 सेवादार वो प्रसाद डबल ले लेना, शाबाश, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, खूनदान महादान। और यह ब्लाक दीन दुखियों मध्य बैंक में 7,777 रुपए जमा करवाता है, आशीर्वाद आशीर्वाद। अभी खड़े रहना है, अभी जब तक आपको कहते नहीं बैठना ना भाई, खड़े रहो माता बहनों भाइयों। अगला ब्लाक राजस्थान का है जी, जिला हनुमानगढ़ का ब्लाक भादरा। सात संगत 1055, शाबाश। और चुनेंगे भाई 269, खड़े हो जाओ। 269 सेवादार भाई जो चुनेंगे अलग अलग समितियों में, और बहने 254, खड़ी हो जाए बहने जो चुनी गई हैं जिम्मेवार अलग अलग समितियों में। और दीन दुखी मध्य में बैंक में 7,777 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। अभी खड़े रहना, किसी ब्लाक ने बैठना नहीं। जिला मोहाली ब्लाक डेराबसी पंजाब का है जी, चोन समय संगत 520, चलो आशीर्वाद। चुने गए भाइयों की गिनती 150, बहने 108, दीन दुखी मध्य बैंक में 7,777 रुपए जमा करवाते हैं, खड़े हो जाए बेटा, आशीर्वाद। डेराबसी वालों खड़े हो जाए, जिम्मेवार जो चुने गए अलग अलग समितियों में। हरियाणा जिला सरसा ब्लाक दारेवाड़ा, चुनाव के समय संगत 1686, शाबाश, कमाल कर दी भाई, बहुत संगत आई। और चुने गए सेवादार भी बहुत है, 417, खड़े हो जाए, शाबाश। दारेवाड़ा ब्लाक 417 सेवादार चुने गए हैं, शाबाश, अभी तक तो सबसे ज्यादा है। और बहने 305, ये भी बहुत है, सेवादार जो जिम्मेदार चुनी गई है, खड़ी हो जाए। ग्राम पंचायत गांव बनवाड़ा ब्लाक दारेवाड़ा आशीर्वाद लेने में सत्संग की मांग कर रहे हैं जी। बेटा आप यहां मिल लीजिए एडम ब्लॉक में, और अपना कागज वगैरह सारे बता दीजिए, एमएसजी एडम ब्लॉक जो नया बना है वहां जाके मिल लीजिए। और दीन दुखी मध्यम बैंक में 7,777 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। आप जी ने 28 मार्च 1983 को गांव चौटाला में सत्संग फरमाया था, नाम वाले जीव काफी हुए थे। आप जी ने वचन फरमाया था, यह काल का गढ़ा कभी तोड़ेंगे। पिताजी सात संगत
कामचटाला की अर्ज ये गढ़ आप कृपया तोड़ने की कृपा करें जी। कामचटाला बलाक दारे बाड़ा जी बेटा सुमरण करते रहिए, मालिक से दुआ कीजिए और मालिक ही जरूर तोड़ेंगे। वो जिनके वचन है उनको लाज है और वो करने वाले हैं, वही करते हैं, हम तो खाकसार हैं भाई, मालिक जरूर रहमत करेंगे। आप सात संगत आधा घंटा घंटा सुबह घंटा शाम दो तीन दिन लगातार बैठ के सुमरण करना तो मालिक रहमत करने वाले हैं, घबराइए मत। तो बाकी जितने भी ब्लाक आप अलग अलग एरिया के चुने गए हैं, आप अपने ब्लाकों में दिन दुगनी रात चौगनी सेवा करना, आश्रम में दिन दुगनी रात चौगनी सेवा करना। और मालिक से दुआ है सतगुरु मौला दाता से कि मालिक दया में रहमत के भंडार आप हमेशा दुगने चौगने बरसाते रहें। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद, बैठ जाइए, प्रसाद लेके जाइएगा, खुद भी लेना है, परिवारों को भी देना है, सारी साथ संगत ने जो चुनाव के लिए आई उसने भी प्रसाद लेना है। वैसे सारे ही सेवादार हो आप, बैठ जाएं। डेरा बस्सी वाले कहते हैं जी बस जाना है हमने, तो आराम से जाना बेटा बस, और जल्दबाजी ना करना, ड्राइवर के पास समझदार आदमी बैठे ताकि गाड़ियां आराम से जाएं। अगर आप बसें करवा के मजबूरी है तो बेटा उन ड्राइवरों के पास अच्छे समझदार लोग बैठना जो कि आराम से गाड़ियां लेके जाएं, और कोई बात नहीं प्रसाद लेना। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, आराम से अभी नहीं जाना, थोड़ा रुक जाओ, बस एक दो मिनट की बात। शास्त्र जी गिनने से पहले फ्रोसिंग के प्रसाद लेने पड़े 85 भाई 12 बहने वो आज रोज ग्रीन एस के मेंबर बढ़ते जा रहे हैं। सो अपनी जगह पे खड़े होकर जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। SMO डॉक्टर मक्खन सिंह सुरदुरबे डॉक्टर बबला परिवार से दर्शन के लिए आए हैं जी, दर्शन दिए हैं आपने, मालिक खुशियां बख्शे, बहुत बहुत स्वागत जी। जी आया नु प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियां देवे, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा। जी आया नु प्रसाद ले लो। ब्लाक अनूपगढ़ की सात संगत नाम चर्चा घर में शेड वे कंटीन का निर्माण करने की आज्ञा चाहती है बेटा, 50 नंबर में या MSG एडम ब्लॉक में मिल लीजिए, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना आशीर्वाद। घर जाना है जी 7 से 14 दिन वाले खड़े होते जाओ सेवादार। ब्लाक अंबाड़ा शहर के 33 मोड़ा केसरी 21 और ब्लाक शहजादपुर से 32 बहन भाई 8 दिन की सेवा की। ब्लाक जलालाबाद से 44 बहन भाई 4 दिन की सेवा की। खड़े हो जाएं, जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे मालिक, और प्रसाद ले जाना, आप भी लेना, परिवारों को भी देना, मालिक खुशियों से नवाजे सबको, बहुत बहुत आशीर्वाद, बैठ जाइए। बीमार व बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक खुशियां बख्शे। और जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना, कैंसर ला इलाज हमारे दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते करने वाला मालिक मानना आपने। और जो आर्थिक तौर पर कमजोर है उनका इलाज सात संगत की तरफ से आश्रम में फ्री करवाया जाता है, आप एडम ब्लॉक में 50 नंबर कमरे में मिल लीजिए। खाने पीने की जिनसे अनजाने में गलती हुई है वो बैठे बैठे नारा लगा दो, उनको माफ है जी। बाकी 3 वचनों में पता है कि गलती हुई है वो अपनी जगह पे जल्दी से खड़े हो जाओ, पता है कि 3 परहेजों में गलती हुई है, जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, इधर उधर मत देखो, 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, जल्दी करो, इधर भी माता बहनों बाद में खड़े होते हो आप, 3 वचन पता है कौन से होते हैं, बस वो 3 वचनों में अगर गलती हो चुपचाप खड़े रहो अपनी जगह पे। तो मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद, और जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक माफ करेंगे। नाम शब्द बताया, लॉकेट गुमुआ निंदा की भ्रूण हत्या करवाई, अश्लीलता देखी नारा लगा, पुराने के नाम शब्द सुन नारा लगा दिया, आगे से ख्याल रखें। सुबह 6 से रात के 10 बजे और सर से रात जो सेवा करते हैं मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से रहमो करम से नवाजे। 8 बहन भाइयों ने दिंदु के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया, वो खड़े हो जाएं जी, मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपका आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, और सबको आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद, बैठ जाए जी। 2 परिवार आए हैं फिरोजपुर पंजाब से, इनकी माता ने चोला छोड़ा, खड़े हो जाएं जी। बोपा राय खुर्द लुधियाना से आए हैं जी, इनके पिता ने चोला छोड़ा, दोनों ने नाम लिया था, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं जी। तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोच बैठ के नहीं जिता, हम सचखंड सतलों का नाम ही जरूर जानती है। अस्थियां फुल लेके आए हो या तो खुदा खेत है गहरा टॉप उठ के उत्थे दबा दो, या बड़ी नहर नदी चिनारा ला के प्रवाह कर दो, ये मिट्टी है आत्मा मालिक जो तो नहीं हम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने तो बाद बैठना, प्रसाद ले लो, मालिक आप तुम्हें ताकत देवे, आशीर्वाद। सात संगत में अगर कोई नशा छोड़ने आए तो 7 दिन के लिए यहां पे रुक जाओ, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरन करने से गंदा नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखिए परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, और जब नशा छोड़ के जाना यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना तो नशा छूट जाता है भाई। सात संगत में प्रसाद पहन शादी कपड़े बच्चे कपड़े गाड़ी की चाबी मकान की चाबी छोटे बच्चे को कोई लेके आए कि आशीर्वाद लेना तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लीजिए, सारी सात संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद, सामान नीचे कर लीजिए।
तो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शाम दीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय सजरे ना, उसके बाद जाने का विचार समय साधन के अनुसार जा सकते हैं। रहने का विचार जैसे सेवादार भाई बताए, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक दो मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सारी संगत को सूचित किया जाता है कि शाह मस्ताना जी धाम से लेकर आगे नेजिया गांव तक आप किसी ने भी जमीन या प्लाट वगैरह नहीं खरीदना। अगर आपको प्लाट या फ्लैट की जरूरत है तो कमरा नंबर 50 में अपना नाम लिखवाएं। इस प्रार्थना को सारी संगत ने मानना है और सभी ने गुरुमुख बनना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो बहने भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, उन भाइयों ने साइड के 36 नंबर पिलर के पास और बहनों ने 99 नंबर पिलर के पास आकर प्रसाद ले लेना है। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है। जो भी भाई या बहन सेवा करना चाहते हैं, आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं जी। सुबह की मजलिस का समय 7:30 बजे का है और 17 तारीख को जो राजस्थान वाला सत्संग है तीसरे हफ्ते वाला, वो इसी आश्रम में होगा। सत्संग के बाद पूजनीय गुरु जी नाम शब्द गुरुमंत्र देंगे और रूहानी जाम भी पिलाया जाएगा जी। पंडाल में बुजुर्गों वाले कैबिन में केवल बुजुर्गों ने बैठना है। लंगर भोजन जब भी आप आश्रम में ग्रहण करते हैं तो श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें, बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें जी। अब पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में ही आराम करना है, भाइयों वाली साइड में नहीं आना, और भाइयों ने भाइयों वाले पंडाल में ही आराम करना है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।